श्री मुक्तेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने नाबार्ड वित्त पोषित RIDF 22 योजना के अंतर्गत स्वीकृत गोरखपुर देवरिया उपमार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य, आज़ाद चौक मिर्जापुर में CC कार्य का लोकार्पण के साथ कालीबाड़ी मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य, मुक्तेश्वरनाथ मंदिर स्थल के सौंदर्यीकरण का कार्य, सूरजकुंड धाम स्थल के सौंदर्यीकरण का कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में CM योगी ने कहा कि सबसे ज़्यादा युवा और जल संसाधन उत्तर प्रदेश में है, इसके साथ ही सबसे ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पर्यटन की संभावनाएं भी उत्तर प्रदेश में हैं, इसलिए हमारी सरकार प्रदेश को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए नई नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री द्वारा लखनऊ में 65,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसमें प्रदेश के 3 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर विकास के नित नए आयामों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर को चारों तरफ से 4-लेन कनेक्टिविटी एवं एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा गया है। पर्यटन के माध्यम से हमारी सरकार आने वाली पीढ़ियों को रोजगार और अतीत के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। पीछे तेजी से पीछे खींचे देखिए पीछे गिरे इसी बात वो अनावरण का कार्यक्रम करेंगे और थोड़ा पीछे हो जाए यार।
नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ। बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर बंगाली बाड़ी मंदिर के सुंदरीकरण माननीय मुख्यमंत्री जनता की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री रविंद्र दास जी महाराज कालीबाड़ी के महंत जी साथ में हैं और मैं अनुरोध करूंगी हम लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है कि सरकारें बनती हैं साथियों, लेकिन कभी कोई हमारी ऐतिहासिक धरोहर के तरफ कोई भी नेता ध्यान नहीं देता है। लेकिन पूज्य महाराज जी को गोरखपुर की जनता की तरफ से ढेर सारी बधाई देने की पूज्य महाराज जी आपने यहाँ बाबा मुक्तेश्वरनाथ को चाहे सूरज कुंड को चाहे मान सरोवर को चाहे गुरुद्वारे को चाहे बाबा मुक्तेश्वरनाथ जी सही मंदिर की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। स्थानीय पिता शंकर गुरुद्वारे का सौंदर्यकरण के लिए बहुत बड़ी रकम गोरखपुर के लिए दी है या यहाँ के महंत श्री रविंद्र दास जी महाराज गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी गोरखपुर ग्रामीण से लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी महानगर अध्यक्ष श्री राहुल श्रीवास्तव जी पार्षद श्री रामगोपाल कुशवाहा जी श्री संजय श्रीवास्तव जी पार्षद दल के उपनेता श्री जितेंद्र सैनी जी सभी पार्षदगण इस क्षेत्र से उपस्थित सभी उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों प्रशासन पर्यटन विभाग और विभिन्न विभागों से उपस्थित सभी अधिकारीगण सावन मास के अवसर पर बाबा मुक्तेश्वरनाथ जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इसी बहाने इस मंदिर के आसपास के क्षेत्र के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के कार्य योजना का शुभारंभ करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये हम सब की ऐतिहासिक धरोहर है और इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करना हम सब का एक सर्वोच्च कर्तव्य होना चाहिए। अक्सर होता है कि हम लोग अपने पौराणिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए ऐसे स्थलों की देखभाल या उनके संरक्षण करने की बजाय उन्हें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जब दुरुपयोग करने लगते हैं
तो वास्तव में ये हम सब के लिए बाद में अपयश का कारण बनता है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा, इस धरोहर को संरक्षित करना ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए भी एक अच्छा कार्य है, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण होने का कार्य है। बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर के आसपास क्षेत्र का सुंदरीकरण का कार्य बने और एक बेहतर कार्य योजना हम बना करके इस योजना को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें, इसके बारे में मेरी बहुत पहले से योजना थी, लेकिन उस कार्य योजना को आगे बढ़ाने में प्रशासन ने, पर्यटन विभाग ने आगे आकर के उस पहल को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। आज हम सब यहां पर इस पौराणिक महत्व के बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज यहाँ पर दोनों तीनों कार्य हो रहे हैं, बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के साथ ही गोरखपुर से जुड़ी हुई तमाम अन्य योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कालीबाड़ी मंदिर के भी सुंदरीकरण के कार्य योजना को हम लोगों ने लिया है। बाबा के शिष्य को धोखा दे दिए, कुमार कसोदन जैसे लोग धोखा दे दिए, तो फिर हम लोगों ने कहा कि बाबा ने जब ऐसे चेले पाले हैं तो हम लोग चलिए सरकार की तरफ से वहां पे कुछ सुंदरीकरण का कार्य करना। आज कालीबाड़ी मंदिर के भी सुंदरीकरण के कार्य योजना को हम लोगों ने यहाँ पर शुभारंभ किया है। सबसे पहला कार्य तो जो एक पैसा यहाँ पर आया है, इस पैसे का सही सदुपयोग हो, अच्छा कार्य हो जाए। दूसरा, इन कार्यों के माध्यम से जहां वो यहाँ पर बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं हो, साफ सुथरी व्यवस्था हो, वही साथ ही साथ मंदिर के पुनरुद्धार की कार्रवाई को भी हमें दूसरे चरण में लेनी चाहिए, जिससे मंदिर को बहुत अच्छे ढंग से हम इसका पुनरुद्धार कर सके और आने वाली पीढ़ी को एक धरोहर दे सके। क्योंकि इस धरोहर के कारण ही हम और आपका अस्तित्व है। अगर धरोहर सुरक्षित नहीं रहेगी और हम लोग ये समझते हैं कि हम लोगों का अस्तित्व इसके कारण सुरक्षित हो जाएगा, ये हम सब की भूल होती है। इन पवित्र स्थलों के संरक्षण के कारण ही हम सब का अस्तित्व बना हुआ है और इसलिए हम सब का दायित्व होना चाहिए कि पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए स्थलों को सुंदरीकरण करना, उनका संरक्षण करना, उनका पुनरुद्धार करना और आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी विरासत सौंप देना, ये वर्तमान पीढ़ी का दायित्व होता है। और उसी क्रम में हम लोगों ने, चाहे वह आज गोरखपुर के मोहद्दीपुर और जगत शंकर गुरुद्वारे के कार्यक्रम को आगे बढ़ा, सुंदरीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हो, चाहे वह बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर के सावन के इस मास में इस सुंदरीकरण की कार्य योजना को आगे बढ़ाने का हो, चाहे वह कालीबाड़ी मंदिर के सुंदरीकरण की कार्य योजना को आगे बढ़ाने का हो, चाहे वह सूरज कुंड या मानसरोवर मंदिर के पुनरुद्धार के कार्य को, या महादेव झारखंडी, या फिर अन्य ऐसे पवित्र स्थलों या शहीद स्थलों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हो, ये प्राथमिकता के आधार पर सरकार इन सभी कार्यक्रमों को आगे दे रही है। और हमारी सरकार ने तो भी हाल ही में निर्णय लिया है कि हम लोग प्रदेश के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपनी बेहतर कार्य योजना के साथ सामने आ रहे हैं। इस कार्य योजना में हमारा प्रयास होगा कि हर विधानसभा में एक या दो पर्यटन केंद्रों को एक वर्ष के अंदर विकसित करके आने वाले श्रद्धालुओं, आस्थावान नागरिकों और पर्यटकों को वहां पर बेहतर बुनियादी सुविधाएं देकर के पर्यटन को बेहतर बढ़ावा देने के सामने बेहतर प्रयास सरकार कर सके, इस दिशा में नई पर्यटन नीति लेकर के हमारी सरकार आ रही है। मेरा यह मानना है रोजगार की जो व्यापक संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे पास दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि है, हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा जल संसाधन है, हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी कनेक्टिविटी हमारे पास मौजूद है और दुनिया के अंदर
उत्तर प्रदेश सौभाग्यशाली है कि सबसे अधिक युवा, ऊर्जावान युवा हमारे पास उत्तर प्रदेश में मौजूद है। इस ऊर्जा को प्रदेश के अंदर लगाने और प्रदेश में इस ऊर्जा का उपयोग करके हम विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। इस दृष्टि से जहां एग्रीकल्चर एक माध्यम है, स्किल मिशन एक माध्यम है, विभिन्न प्रकार की सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी जिसमें हमने निवेश को आमंत्रित किया है, आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले भारत के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी लखनऊ में आए थे, 65,000 करोड़ रुपए की निजी निवेश की योजनाओं का शिलान्यास करके 3,00,000 नौजवानों को नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को उन्होंने एक साथ उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। मेरा मानना है कि पर्यटन में ढेर सारी संभावनाएं हैं विकसित करने की, रोजगार को सृजन करने की, और पर्यटन विकास की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही हम अपनी पर्यटन की नई नीति के साथ सामने आए हैं, जिस नीति के अंतर्गत हर तबके के लोगों को व्यवस्थित पुनर्वास और उनके रोजगार और उनके लिए व्यवस्थित रूप से उनको उन योजनाओं के साथ जोड़ करके उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना, ये हमारी प्राथमिकता का हिस्सा है। और उस प्राथमिकता के हिस्से के ही क्रम में आज बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के इस कार्यक्रम के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप लोग गए होंगे राप्ती नदी में, राप्ती नदी में हम लोग स्नान घाट बनाने जा रहे हैं, वहां पर नया श्मशान घाट बनने के साथ ही आप देखते रहे होंगे कि किसी भी स्नान में राप्ती नदी में लोगों को गंदगी में जाकर के, कीचड़ में, मिट्टी में जाकर के स्नान करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अब हम लोग एक ऐसी व्यवस्था राप्ती नदी में करने जा रहे हैं, लगभग 200 मीटर लंबा घाट इस पार बनाएंगे और लगभग 75 मीटर लंबा घाट उस पार भी बनाएंगे, और घाट बनाने के साथ साथ वहां पर महिलाओं के लिए स्नान और कपड़े बदलने के लिए अलग से व्यवस्था देंगे, वहां पर बेहतर पार्किंग की व्यवस्था देंगे, कोई भी सर्दी गर्मी बरसात कोई भी मौसम हो राप्ती नदी में लोग आराम से सुरक्षित स्नान कर सके, इस दृष्टि से हम लोगों ने वह कार्य राप्ती नदी में प्रारंभ किया है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जब कोई भी मरता है, स्वाभाविक रूप से जिसने जन्म लिया है एक उम्र के बाद मरना है, अंतिम संस्कार की कार्रवाई भी सम्मानजनक ढंग से संपन्न हो सके इसके लिए भी वहां पर सौदा ग्रह को बनाने, शमशान घाट के को अच्छे ढंग से बनाने, साफ सुथरा बनाने और वहां पर भी शमशान घाट को बनाने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। रेड सैंड स्टोन फ्लोर के लिए मंदिर के सुंदरीकरण, सोलर लाइटिंग, हाई मार्क्स लैंडस्केपिंग और इसी प्रकार के अन्य तमाम कार्य और कार्यक्रमों को, चार दिवाली का कार्य भी यहाँ पर बनाना, सेफ्टी टैंक और यहाँ पर व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से भी जो वृक्ष हैं इनको संरक्षित, जैसे कदम का पेड़ है, आंवले का पेड़ है, पीपल का है, इन सब को भी सुरक्षित रखने की व्यवस्था इसके लिए करने की व्यवस्था है। और इसके लिए 2,19,35,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 1,09,68,000 रुपए पहले चरण में स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसी प्रकार से सूरज कुंड में पर्यटन विकास की दृष्टि से हम लोगों ने आरसीसी की रिटेनिंग वाल, सामने की आरसीसी चार दीवारी, लाल स्टोन व एमएस गेट का निर्माण, आरसीसी सिटिंग बेंच विद ग्रेनाइट कवर, सोलर लाइटिंग, लैंडस्केपिंग, टूरिस्ट सेंटर का जीर्णोद्धार, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टोन पिलर्स, वाटर क्योक्स, एसएस रेलिंग और वहां पर अन्य जन सुविधाओं के साथ साथ पाथवे और साइनेज आदि के विकास के लिए भी 2,59,84,000 रुपए स्वीकृत किए जा रहे हैं, जिसमें 1,29,92,000 रुपए की पहली राशि अवमुक्त भी की जा चुकी है। भाइयों बहनों, विकास की योजनाएं इसलिए जिससे जनता को अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो सके, पर्यटन को अधिक से अधिक बढ़ावा दे सके, लोग स्वस्थ और सुंदर इस प्रकार के पर्यटन के माध्यम से बन सके, अपने समय का सही सदुपयोग कर सके, अपनी आस्था को तो सुरक्षित रख ही सके,
साथ ही साथ पर्यटन विकास के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण की भी बृहद कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सकें। और उस क्रम में हमने यहाँ पर अनेक कार्यक्रमों को आज की इस योजना के माध्यम से यहाँ पर दिया है। मुझे प्रसन्नता है कि विकास की योजना में गोरखपुर वासियों का, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का सहयोग पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्राप्त हो रहा है। और आज उसी का परिणाम है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कुंभ इस वर्ष के प्रारंभ में हमें प्रयागराज की धरती पर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज इसी का परिणाम है कि हमारी सरकार दीपोत्सव का कार्यक्रम देव दीपावली में वाराणसी में, दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या में, और होली के कार्यक्रम को रंगोत्सव के रूप में बरसाना वृंदावन में पूरे उत्साह के साथ मनाने और साथ साथ विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हमने विकास के कुछ अलग अलग विकास परिषदें गठित करने की भी पर्यटन विकास की संभावनाओं को टटोला है। और हमारी सरकार का प्रयास है कि पर्यटन विकास के क्रम में हम जैसे हम लोगों ने मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, ये जितने भी तीर्थ स्थल हैं, इनके समग्र विकास को, इनके इन क्षेत्रों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए पर्यटन विकास की संभावनाओं को वहां पर आगे बढ़ाने के लिए हमने एक कार्य योजना तैयार की है। और इसके लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है। ऐसे ही अयोध्या में भी अयोध्या के समग्र विकास के लिए एक बोर्ड का गठन करने की कार्रवाई, विंध्यवासिनी धाम के विकास की एक समग्र कार्य योजना आगे बढ़ाने की कार्रवाई, शुक्रताल और नैमिषारण्य में भी विकास की प्रक्रिया को चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने की कार्य योजना को लेकर के हमारी सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के एक बृहद कार्य योजना को आगे बढ़ा रही है। बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर के सुंदरीकरण की इस कार्य योजना को प्रारंभ होने के अवसर पर मैं क्षेत्र के आप सभी नागरिकों को और खासतौर पर यहाँ के पार्षद श्री रामभाव कुशवाहा जी, जिन्होंने यहाँ के विधायक के साथ मिलकर के प्रस्ताव उपलब्ध कराया था, और आज इस शिलान्यास का कार्य हो रहा है। साथ साथ कालीबाड़ी मंदिर में स्वयं तो पैसा नहीं दिए, लेकिन दो बार लखनऊ मिलने के लिए जवाहर मसूदन जरूर गए, तो उस आधार पर वहां के लिए भी पैसा हम लोगों ने स्वीकृत किया है। और मैं कालीबाड़ी के लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि चेला बनाते समय थोड़ा सावधानी बरतें आगे से। प्रोटोकॉल का कार्य हम क्रमबद्ध ढंग से आगे बढ़ाएंगे। आप सबको इस अवसर पर बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि विकास की योजनाओं में आप सबका सहयोग इसी प्रकार से प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।